हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन, हाय अनु, अरुणिमा श्रीवास्तवा, हाय हाय, कैसे हैं? कैसे हैं? कौन कौन देख सकता है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए अभी कौन कौन देख रहा है मुझे लाइव। और ये भी बता दीजिए, हाय एमडी, हाय हेलो, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ अरुणिमा, आप भी अच्छे हैं? थैंक यू सो मच। नीरज जी देख रहे हैं, सुनील जी, थैंक यू, एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप? और क्या चल रहा है? आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ आ रही है आप सबको? थैंक यू अरुणिमा। मैं बिल्कुल बड़ी हूँ, बढ़िया हूँ। लक्ष्मी जी हेलो, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। थैंक यू नीरज जी, आपको सब सब बढ़िया लगती है मेरी रेसिपी। चंचल जी थैंक यू। सुमन सुमन जी हेलो, कैसे हैं? मनीषा जी नमस्ते, नमस्ते मैम, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं? क्या चल रहा है अभी? आपको सबको आवाज़ आ रही है एक बार बता दीजिए। थैंक यू, कैसे हैं? आशीष, लक्ष्मी जी मैम, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी बातें बोलते हैं आप तो। हाँ, आ रही है आवाज़, बिल्कुल बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीबड, गुड इवनिंग सम साधना जी, राम बाबू जी, मेरा नाम भी हिमांशी। अच्छा, आपका नाम भी हिमांशी है, वेरी गुड, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। नीरज, खुश हूँ कि आप मेरा नाम ले लिया। थैंक यू आपका, मैं ऐसी भी कोई बात नहीं है। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? और मैं थोड़ी सी आज टायर्ड लग रही हूँ, थोड़ी सी थकी हुई हूँ। जो भी ये लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। रेखा अरोरा जी हाय, मिनी कौशल हाय, निधि गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। राम राम जी, आप हिमांशी हैं? हाँ, मैं बढ़िया हूँ एमडी, आपने मेरे जवाब नहीं लिया ही का क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनु जी हाय मैम, अनुरिमा, अरुणिमा, अच्छा आपने लाइक कर दिया, बहुत थैंक यू। जितने भी लोग और देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अभी सिर्फ 9 लाइक्स आए हैं और आई नीड मोर 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 लाइक्स इस वीडियो को बहुत जल्दी वायरल। लतिका हेलो, हेलो, कैसे हैं? और आपने अब कौन सी मेरी रेसिपीज़ देखी हैं? नई नई फटाफट से बता दीजिए। बहुत सारी मैंने बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ बनाई हैं। अभी रिसेंटली मैंने डाली है वो नॉनवेज जैसी दिखने वाली रेसिपी, किस किस ने देखी है फटाफट से बता दीजिए। निधि, मैं भी लाइक कर दिया, थैंक यू निधि, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। चंचल, मुझे लाइक करना नहीं आता, लाइक करना नहीं आता, नीचे लाइक का ऐसा ऐसा बटन होता है, ऐसे ऐसे थंब जैसा बटन होता है, उस पर हिट कर दीजिए। एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, आपको इस पर लाइक करना है तो इस पर कीजिए क्लिक, इस पर मत कीजिएगा, बहुत बुरा लगता है तो, लेकिन आपकी मर्जी है, आप किसी पे भी क्लिक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। मैं देखा है, अच्छा आपने देखी है वो वाली रेसिपी, बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच। तो मैं बोल रही थी वो नॉनवेज वाली रेसिपी किस किस ने देखी है, आपकी सभी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। मनीषा बोल रही हैं आप बहुत अच्छी बनी है, स्पेशली सूजी की स्वीट बहुत अच्छी थी लगी। हाँ, सूजी वाली मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, हमारे घर में झट से ख़त्म हो गई, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नजीमा बेगम जी, गुड इवनिंग अनामिका दास, हेलो, कैसे हैं?
और जिसने अभी लाइव ज्वाइन किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अभी के अभी शेयर कीजिए ताकि वो मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकें और इस फैमिली का हिस्सा बन सके। फटाफट से शेयर कर दीजिए सबको। मैं जयपुर में रहती हूँ, इंडिया से हूँ मैं। हाय मैम, किरण सिंह जी हाय, कैसे हैं? और अच्छा, नॉनवेज वाली वो स्नैक वाली रेसिपी देखी है जिसने, या फिर ग्रेवी वाली जो सब्जी अभी मैंने बनाई थी? मैं भी सूजी वाली रेसिपी देखी है। कौन सी वाली सूजी रेसिपी देखी है आपने? मिठाई वाली देखी है, स्नैक वाली देखी है? चैनल भी है क्या आपका? और कोई और चैनल? मेरा और कोई चैनल नहीं है, नहीं मेरा और कोई चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मैम, थैंक यू। अगर आप ऐसा लगता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। मैम मैं वेज हूँ, नहीं मैं नॉनवेज वाली रेसिपी की बात कर रही हूँ चंचल, लेकिन मैं जो वेज की बात, मतलब जो रेसिपी की बात कर रही हूँ वो वेज है। हाँ वो देखने में नॉनवेज जैसी है, वो खाने में भी टेस्ट में भी नॉनवेज जैसी है, लेकिन वो है वेज, तो वो नॉनवेज नहीं है। देखने में खाने में नॉनवेज जैसी है। मैंने ट्राई किया है कुछ नया क्रिएट करने का और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी वो रेसिपी, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, देखिए वो रेसिपी। उसमें मैं स्नैक भी बनाया है मैंने, और उसमें मैंने स्नैक वाली रेसिपी बनाई थी, मस्त है। थैंक यू एम डी जफर जी, थैंक यू मनीषा, मैंने देखी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू मनीषा जी, बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा कितने लोग देख रहे हैं अभी? 24 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 20 है, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। मोनिका वर्मा, मैं आप गुड हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाई, फटाफट से दूसरा कमेंट करके बताइए क्या बोल रहे हैं आप। ओके मैम आई विल, चंचल हाँ आप ज़रूर देखिएगा और दोनों देखिएगा, स्नैक वाली भी और सब्जी वाली भी देखिएगा। अभी कल ही डाली है आई थिंक मैंने, सब्जी वाली भी देखिए, बहुत ही अच्छा चाइनीज़ फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी थी, हमारे घर में फटाफट से ख़त्म हो गई थी, तो अच्छी लगी वो रेसिपी, सबको पसंद आई। और बताइए, और आपको कौन सी नई रेसिपीज दिखनी, किसी की डिमांड्स हो नई नई रेसिपीज? सुनील मिश्रा मैं बहुत अच्छा, मैं क्यूट हूँ, थैंक यू, आज तो बहुत लोग बोल रहे हैं मैं क्यूट हूँ। मैं भी आपकी स्नैक सूजी बनाई थी, मैं फैमिली को बहुत पसंद आई। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। और भी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ मैं लेके आऊँगी, मेरे पास बहुत सारी नई नई तरीके की रेसिपीज़ की है, बहुत सारे हैं मेरे पास दिमाग में आइडिया। मनीषा तरकर, मैंने तो लाइक कर दिया, हाँ लाइक कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, और अब शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। और अगर आपको कोई रेसिपी सीखनी है तो फटाफट, सुदीना जी लाइक, साधना शर्मा जी ने थम्स अप दिया है, थैंक यू साधना। अच्छा मैं क्या कह रही थी, कोई रेसिपी की डिमांड हो तो आप फटाफट से बता दीजिए, अगर कोई लोग नई नई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं फिर बनाने की कोशिश करूँगी। दिस इज़ गुड एक्सपीरियंस, मैं भी लाइव बहुत करने रही हूँ ऐसा। अच्छा पहली बार बात कर रहे हैं आप लाइव, ऐसे बहुत ही बढ़िया बात है। लाइव वाली वीडियो कैसे देख सकते हैं? अभी मैं 1 मिनट में आती हूँ। अच्छा राम अभी डोरा केक, अच्छा डोरा केक, डोरा केक तो मेरी भी बहुत इच्छा थी, डोरा केक बनाने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी। और मेरी बड़ी वाली डॉटर है रोशनी, वो बोल रही है काफ़ी दिन से सूजी कटलेट्स, सूजी के कटलेट मैंने डाले हैं, आप देखिए सूजी के कटलेट मैंने बहुत टाइम पहले डाले थे, देखिए मैं फिर से लेके आऊँगी एक नई वाली। हेलो मैम वेशु सैनी, आई एम न्यू सब्सक्राइबर, हाय वेशु, अगर मैंने नाम गलत लिया होगा तो माफ़ कर देना। हाय कैसे हैं, वेलकम टू द फैमिली, और भी अपने फ्रेंड्स को फैमिली को सबको लेके आइए मेरे चैनल पे, बड़ी फैमिली बनेगी, अच्छा लगेगा। ऑनियन रिंग्स प्लीज़ शेयर कीजिए, हाँ मैं ऑनियन रिंग्स लेके आऊँगी, बहुत ही टेस्टी बनती हैं, स्नैक बहुत ही अच्छा, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, ड्रिंक्स के साथ, सबके साथ अच्छा लगता है। और बताइए, एक कमेंट और आया था वो चले गया। और बताइए कौन सी रेसिपीज आपको देखनी है, मैं बाद में लाइव स्ट्रीम के सारे कमेंट पढ़ूंगी, और इनमें से और भी रेसिपीज अगर किसी ने बोली है, हाथ की रेसिपी कहाँ है, बेसन की कोई न्यू रेसिपी, बेसन की भी बनाएंगे एमडी जी, बेसन की भी बनाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे बेसन के स्नैक्स, बहुत ही अच्छे। हाय मीनू जी कैसे हैं, मैंने देख लिया आपका कमेंट, कैसे हैं? आपने कहा था मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करेंगे तो मैं, आप देखिए अब आ गए आप।
हाय, आई एम न्यू रेसिपी। मैंने पहली बार आपसे ही लाइव चैट किया और मम्मी को भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मनीषा, सो स्वीट ऑफ यू। आपकी मम्मी का नाम लिया था मैंने लास्ट टाइम, है ना? कैसी हैं आंटी जी? बढ़िया मैम। कटोरी चाट, ओह वाह, हाँ कटोरी चाट, ओह मैं भूल गई, सॉरी। मैं लेकिन मैं बताऊंगी और आपको कटोरी चाट ज़रूर बताऊंगी। थोड़ा सा टाइम रुकिए, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, हेक्टिक चल रहा है। अभी भी हम बाहर आए हुए हैं, पर मैं बनाऊंगी। और मीनू जी कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है? मैं तो बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया। थोड़ी सी थकी हुई हूँ, सारा दिन भर बाहर थे तो थोड़ा सा थक गई हूँ। सूजी बॉल्स बनाई थी आपने? अभिषेक जी, अभिषेक बोल रहे हैं, सूजी बॉल्स बनाई थी। अच्छा, किसी और ने भी बोला है, मैं भी पहली बार लाइव चैट कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है। लाइव करना बहुत अच्छा लगता है, फटाफट से ऐसे 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा वियर्ड फीलिंग होती है लेकिन ऐसा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। लाइव स्ट्रीम पे चैट कर रही हूँ, अनुरिमा बोल रही हैं, बहुत ही बढ़िया लग बात है आपकी, चैट कीजिए। और कौन सी नई रेसिपीज बनाना सिखाऊँ मैं आपको, बताइए अनुरिमा जी। यस मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो भी आपकी रेसिपीज देखती हैं। थैंक यू मनीषा, आप बहुत क्यूट हो मैम। थैंक यू, लव यू डियर मीनू, लव यू डियर। ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, सबके सब जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अभी 28 लोग देख रहे हैं, जितने भी जिन लोग हैं, एक प्रॉमिस कीजिए हमेशा मेरे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे तो मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सिखाऊंगी। और ऐसा खाना बनाना सिखाऊंगी कि आप सबके दिल जीत लेंगे, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने हस्बैंड का, वाइफ का, सबका दिल जीत लेंगे, सब खुश हो जाएंगे आपका खाना खा के। इतना बढ़िया खाना बनाएंगे अपन यहाँ तो। और भी ब्यूटी रेसिपीज भी लाऊंगी, मेरे को थोड़ा टाइम कम मिलता है लेकिन मेरा बहुत इच्छा होती है काम करने की। और भी बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना सिखाइए, हाँ पिज़्ज़ा भी बनाना सिखाएंगे, बहुत ही अच्छी 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 आप इसके अलावा जॉब भी करते हैं? नहीं मैं कोई जॉब नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ, 24 आवर्स घर पे ड्यूटी देती हूँ, वो बहुत बड़ी जॉब होती है। नेचुरल टैलेंट ने पूछा था ये, वाह वो क्या नाम है, चैनल है आपका भी, बढ़िया है। हाँ तो और कौन सी रेसिपीज देखनी है? टोस्टर बनाना सिखाइए, हाँ टोस्टर बनाना भी सिखाऊंगी। अनुरिमा ने बोला है बहुत सी रेसिपीज ट्राई की हैं, बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज़ बहुत ही अच्छी बात है ये तो, आपने बहुत अच्छी रेसिपीज ट्राई की होंगी। आपको लगी कैसी है? आपने किस 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 को खिलाई अपनी रेसिपी घर में? मेरे को पता है कई लोग बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस रहता है उनका कि मेरे बच्चे ने खाई बहुत अच्छी लगी, मेरे मम्मी ने खाई बहुत अच्छी लगी, इतनी खुशी होती है ना, अच्छा लगता है बहुत सुनना ऐसी बातें। और बताइए कौन सी, टोस्टर की हो गई और इसकी हो गई, इस बेसन की रेसिपीज हो गई, कटोरी चाट हो गई, और कौन कौन सी रेसिपीज बता बनानी है? ड्रिंक्स में किसी को देखनी है, मॉकटेल वगैरह की, या सब्जियों में देखनी है? अच्छा अनुरिमा बोल रही हैं मेरे घर में सबको सिंपल नाश्ता, सिंपल नाश्ता किस तरीके का नाश्ता सिखाना है? चंचल किस तरह का नाश्ता देखना है? मनीषा मैंने आपके स्टॉप में एक गोश मैम, उसकी आपकी रेसिपी पता नहीं क्या बोला है आपने मनीषा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो। राइस की रेसिपीज, हाँ राइस की भी बताऊंगी मैं रेसिपीज, बहुत अच्छी बनती है राइस तो, इतनी वर्सेटाइल है। ब्लू डायमंड ड्रिंक, हाँ पर पता है क्या है इसको, सबको ये जो आप इतनी सारी रेसिपीज बता रहे हैं ना, इनको आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा क्योंकि इन सबको बनाने में टाइम लगेगा, बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब लेके आती रहूंगी। और फिर क्या है, कई बार मेरे दिमाग में अचानक से कोई रेसिपी आ जाती है, अरे हाँ मैं बताना भूल गई, आज मैंने इतनी मस्त रेसिपी बनाई है, वो है उसका नाम मैंने डिसाइड नहीं किया अभी, उसका नाम होगा कोन चाट। कोन चाट आने वाली है जल्दी से आपके इस हिमांशी वर्ल्ड चैनल पे, और बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, चीज़ी कोन चाट। किस किस को देखनी है फटाफट से बताइए, मैं कल ही डालती हूँ, आज रात को ही एडिट करूँगी और कल डाल दूँगी। अगर अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं कल ही डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं परसों डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी एक रेसिपी एडिटेड है मेरे पास। लेमन राइस, हाँ लेमन राइस बनाएंगे, बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। मैंने आपकी सूजी रेसिपी, विशु बोल रही है, विशु नाम है ना आपका, हाँ देखनी है देखनी है देखनी है, मुझे भी देखनी है। बढ़िया
बनाती हूँ, कली डालती हूँ, आज ही रात को मेहनत करके बनाती हूँ। चिल्ड्रन रेसिपी बताइए मुझे। चाहिए दाल, पता नहीं क्या लिखा है, अभिषेक जी ने पता नहीं क्या लिखा है मुझे, वापस से लिख के बताइए। कुछ समझ भी नहीं आया, मैं थोड़ा सा थक गई, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार। अच्छा लग रहा है, नाम सुनकर अच्छा लग रहा है, नाम सुनकर अच्छा लग रहा है। किसको नाम सुन के अच्छा लग रहा है? चलो अभी 15 मिनट हुए हैं, मैं 5 मिनट और बात करूंगी आपसे, उसके बाद मैं जाऊंगी। हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं अभी, और बाहर आए थे बच्चों के साथ, संडे है तो थोड़ा सा इंजॉय करने आए थे, तो मैंने कहा लाइव तो बात कर लूँ मेरे मेरे फ्रेंड्स से, मेरे ऑनलाइन वर्चुअल फ्रेंड्स से। तो बेसन की बर्फी बताओ। हाँ बेसन की बर्फी बताऊंगी, अंकुरित अनाज वाली कोई हेल्दी सैलड। हाँ अंकुरित अनाज वाली भी कोई सैलड है, नाम क्या था आपका? विशु। हाँ मैं बताऊंगी, मुझे लेट हो रहा है, बाद में जब आप फिर से लाइव आओगे तो ज्वाइन करूंगी। अनुरिमा कोई बात नहीं, बाय अनुरिमा। साधना शर्मा लव यू मैम, लव यू टू साधना। मधु कुमारी चटपटी रेसिपी बताइए, चटपटा रेसिपी बताइए। हाँ मैं बताऊंगी, चटपटी रेसिपी बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। मैम आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, थैंक यू अंजलि, थैंक यू। मेरी स्माइल बहुत अच्छी। राइस से चीज़ बनानी सिखाइए, राइस से चीज़ मुझे नहीं आती। रसगुल्ला, हाँ मिर्ची वाली, मिर्ची वड़ा। हाँ मिर्ची वड़ा, जोधपुर का मिर्ची वड़ा बहुत फेमस है, जोधपुर का मिर्ची वड़ा सीखें, बनाएं अपन जोधपुर का मिर्ची वड़ा, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं हूँ जोधपुर की, मेरा बर्थ जोधपुर का है, तो मैं बनाऊंगी जोधपुर का। लव यू डियर अंजलि, लव यू। मेरी रेसिपीज ऐसे ही देखते रहो, शेयर करो, लाइक करो, यहीं बने रहो मेरे साथ, अच्छा लगता है। और क्या है, मतलब कोई और डिश बनाना सिखाइए। तो बहुत सारी बातें हो गई है, अब मैं आपको बता दूं कौन सी नई रेसिपी जानी, किस किस ने मेरी दाल बाटी वाली रेसिपी देखी है और ट्राई की है वो बताइए, फिर मैं एक और बाटी वाली मसाला बाटी की रेसिपी लेके आऊँगी, स्टफ्ड मसाला बाटी। मैं आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, थैंक यू अंजलि। मधु कुमारी लव यू डियर ऑल्सो, मधु कुमारी जी हेलो कैसे हैं। और सो क्रिएटिव मैम लव यू, आशा ऐश। और निशांत जोशी वेरिएशन ट्राई कीजिए, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, कमेंट चले गया ऊपर, फिर से कमेंट करके बता दीजिए अगर मैं देख नहीं पाई, सॉरी। तो और बताइए कौन सी रेसिपीज देखनी, किसने दाल बाटी देखी है, दाल बाटी किसने देखी है। चिकन बनाना सीखना है, चिकन भी बनाएंगे। सूजी के बॉल्स देखे बहुत अच्छे लगे। मैम आप कहाँ से हो? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मधु ठीक है, वेंशु से नहीं मैंने, अच्छा आपने देखी है दाल बाटी, अच्छी लगी, आपने ट्राई की है, आपने ट्राई की, किस किस ने दाल बाटी ट्राई की है फटाफट से बता दीजिए। और जितने भी लोग यहाँ पे है ना, प्लीज़ एक बार लाइक का बटन हिट कर दीजिए, मुझे यहाँ पे 40 लाइक्स तो एटलीस्ट चाहिए, ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा गुड फील हो। मैम हमारे घर में सूजी की बॉल्स अच्छी लगी, हाँ अरे वाह अरित मैम, थैंक यू सो मच। आप क्या जोधपुर की अच्छी वाली फेमस रेसिपी बताइए, थैंक यू मैम। हाँ मनीषा जोधपुर की बढ़िया बढ़िया रेसिपी होती, मिर्ची बड़ा फेमस है वहाँ का, वहाँ की मीठी कचौरी फेमस है, वो भी बताएंगे। वैश्यू सिनी, हाँ यस बहुत अच्छी लगी, मैंने अभी बनाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैं चलती हूँ फटाफट से, बाय सी यू टाटा कर दीजिए। और मैं एक दाल बाटी, अब मैं बता देती हूँ नेक्स्ट वीक का क्या रहेगा, एक स्टफ दाल बाटी की रेसिपी लेके आऊँगी, एक चीज़ी स्टफ कोन आएंगे, आप सबको देखनी है, प्रॉमिस कीजिए आप सब देखिएगा ये सारी रेसिपियाँ। मैं रेसिपीज के नाम बता देती हूँ, तो एक स्टफ बाटी आएगी आप ज़रूर देखिएगा, इसके अलावा आएगी चीज़ी कोन। बाय सी यू मधु जी, आप रेसिपीज का नाम सुनते जाइए। विशु जी आप भी, अभिषेक जी और चंचल, जयपुर का व्लॉग बनाइए मैम प्लीज़, ज़रूर। हाँ मैं बनाऊंगी, मैं व्लॉग्स भी बनाऊंगी, मेरे को थोड़ा व्लॉग्स बनाने का थोड़ा आइडिया कम है। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेसिपीज का नाम सुनते जाइए। स्टफ बाटी आएगी, चीज़ी बॉल्स आएंगे, ठीक है, चीज़ी ओ सॉरी चीज़ी कोन्स आएंगे, और इसके अलावा आएगी सूजी की एक वापस से एक बढ़िया सी रेसिपी, एक बचे हुए चावल की रेसिपी, एक बची हुई रोटी की रेसिपी आएगी, और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सी दाल बनाना मैं आपको सिखाऊंगी,
तो ये थोड़ी सी रेसिपी थी। इसके अलावा बीच में अगर मेरे को कुछ आ जाता है माइंड में कुछ बढ़िया सी, और जो आपने बताई है कटोरी चाट बनाना, कटोरी चाट बना सकते हैं हम, तो अंकुरित चीज़ों से कटोरी चाट बनाएंगे ताकि वो हेल्दी भी हो साथ में चटपटी भी हो। तो थोड़ा सा मैं इनोवेशन करके और दोनों को मिक्स करके लेके आऊँगी। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए मैम। गुड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर मनीषा जी। आपकी रेसिपी देखें और मेरी रेसिपीज को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी सारी की सारी फैमिलीज को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। 17-17, 18-18 कमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं पूरी शिद्दत से और हर एक का कमेंट पढ़ के हर एक को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का। 36 लाइक हो गए हैं, फटाफट से लाइक का बटन हिट कर दीजिए। बाय बाय अरिथमैन, बाय बाय मधु कुमारी जी। नहीं, मेरा व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं है, मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे तो मैं हूँ ही, तो आप मेरे को सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं, पर यहाँ व्हाट्सएप पे नहीं है। साधना जी बाय बाय, मधु जी बाय, कुमार जी बाय बाय। ओके चलो मैं बाय करती हूँ सबको और फिर मिलते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे जितने भी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स हैं विशु जी, वो मिलेंगे आपको मेरे अबाउट सेक्शन में, तो आप वहाँ पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे मेरे है। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैं बाय करती हूँ आपको और फिर मिलते हैं। मैं हर संडे को लाइव आऊँगी, तो ऑलमोस्ट यही टाइम रहेगा, तो आप प्लीज़ 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 मेरा लाइव सेशन नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन कीजिए, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं। बाय बाय मनीषा जी, बाय मधु जी, सबको बाय बोल देती हूँ मैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप तैयार रखिएगा, नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगी। विशु जी ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स, और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और बढ़िया बढ़िया खाना खिलाइए सबको। तो चलती हूँ मैं फिर, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।